Okay, so today's topic is acidic characteristic of carboxylic acid. So first of all, carboxylic acids, when they are reacting with water, so we are getting two ions. First is RCOO- and second is H3O+. अब ऐसा कुछ याद है? It is known as conjugate. It is a base. And this is conjugate acid. Short में लिखता हूँ, okay? पता नहीं क्या? What is meant by conjugate acid and conjugate base? Yes, anyone? Conjugate acid. So first of all, any ionization reaction is a reversible process. Ionization reaction means the reaction in which ions are produced. Yep. Carboxylic ion and H3O+ ions are produced. So this is reversible reaction. So in this reversible reaction, in a forward direction, forward direction means reactant to product. Backward direction means product to reactant. So whenever carboxylic acid is dissolved in water, it is self-ionized into RCOO-, that is a carboxylate ion and H3O+. It's a reversible process. So in backward direction, which component accepts the electron? Sorry, accepts the proton. RCOO. See, here carboxylic acid has donated H+ to give H3O+ and RCOO-. So in backward direction, जिसने भी donate किया है वो वापिस ले रहे हैं। तो backward direction में जो H+ donate करता है, that is conjugate acid. Backward direction में जो H+ जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो H+ डोनेट करेगा वो होगा ब्रॉनस्टेड लॉरी एसी। H+ डोनेशन की ही बात हो रही है और जो डोनेट कर रहा है वही बोल रहा हूं मैं, ओके? सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉनस्टेड लॉरी एसी बेस प्रिंसिपल, द H+ डोनर मींस प्रोटॉन डोनर आर नोन एज एन आर एसी एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर ए। प्रोटॉन मींस पता है ना, H+ इज अ प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। H+ मींस only proton. Is it clear? Yes, sir. Okay. तो जो forward direction में जो H+ donate करता है वो non-state lorry acid, और जो H+ proton accept करता है वो but in which direction? Forward. Backward direction में जो H+ donate करता है, that is conjugate acid, और जो accept करता है conjugate acid. तभी तो आपको ये दोनों कंपोनेंट्स वापस मिलेंगे। अब क्लियर? यस सर। तो वर्ड मेन मुझे एक्सप्लेन करना था, कंजुगेट बेस। ओके, अब एक चीज ध्यान से देखना, जो एसिड वीक है, वीक एसिड का मतलब क्या है पता है? वो H+ 100% डोनेट नहीं कर सकता है, उसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा। क्यों? बैकवर्ड ज्यादा हो रही है, समझ आ रहा है? और जो एसिड स्ट्रॉन्ग है उसका कंजुगेट बेस वीक होता है, क्योंकि रिवर्स नहीं होगा तभी तो वो स्ट्रॉन्ग है। समझ आ रहा है? अगर HCl की बात करें हम तो कौन से आयंस मिलेंगे हमें? प्रोडक्ट साइड Cl- एंड H3O+, लेकिन वो दोनों कंजुगेट एसिड बेस कैसे है? वीक है, बिकॉज़ HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ आ रहा है? यस सर। एसिडिक एसिड की बात करें, इट्स अ वीक एसिड, तो उसका कंजुगेट एसिड बेस स्ट्रॉन्ग, तभी तो वो वीक है। समझ आ रहा है सबको? तो ये लॉजिक क्लियर? RCOOH प्लस H2O व्हिच गिव्स RCOO- प्लस H2O+, और उसमें से मिलेगा क्या? कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड। इज इट क्लियर? यस सर। श्योर? यस सर। नेक्स्ट, अब यहां पे ये रिवर्सिबल प्रोसेस है,
तो फिर उसका फाइनल स्टेज क्या होता है ये पता है? कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसका फाइनल स्टेज क्या होता है पता है? टू अटेन द इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम है क्या? सपोज अ हॉट टी कंटेनिंग कप इज पुट हियर, सो वी नो दैट इट विल एमिट द हीट। ओके, टिल व्हाट टाइम? Wherever the temperature of atmosphere and T, when it is say, then after emission will be stopped. तब तक वो heat absorb, sorry, emit करता है। चलो similarly in a saucer, suppose one ice cube is taken, तो it will gain the heat till what time? But again पहले क्या होगा? वो ice cube convert होगा water में, and then after temperature of water will increase. मतलब कोई भी अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है या तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसका फाइनल स्टेज क्या है? इक्विलिब्रियम अटेंड करना। अब इक्विलिब्रियम अटेंड करते तो फिर हम फाइंड आउट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लास्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है क्या है? विश्व Good. Concentration of product divided by concentration of reactor. Products में दो तीन है, तो दोनों का concentration divided by RC double OH and H2. So here, this is the H2O will go here because the concentration of water is almost constant. So new constant is formed. That is KA. One acid that was KB. Sorry, one base that was KB. Here, and formula. What is meant by KA? Dissociation constant for VS. Dissociation constant बोलो या तो फिर ionization constant. Is it clear? Yes. Done. Okay. अब ध्यान से. Suppose I am taking two acids. Acid number one, acid number two. First has Ka value 1.1 into 10 to minus 3. Another has Ka value 1.2 into 10 to minus 4. Which has more value, 1 or 2? 1. 10 to minus 3, it's a bigger value. 10 to minus 4, smaller value. So Ka is more. It means denominator will be more. Numerator will be more. Numerator में कौन कौन से things हैं? Ions. तो जैसे कि एक ही value हुआ तो वो कैसे मिलेगी आपको? जब ions का concentration ज्यादा मिलेगा तभी। Ions का concentration ज्यादा मतलब क्या हुआ? Product का concentration ज्यादा। Products मतलब RC double minus and H3O plus. मतलब K की value ज्यादा it means H3O plus का concentration ज्यादा, that means acidic characteristic is strong, the acidic strength will be more. समझ आ रहा है? So here we can write acidic strength is directly proportional to Ka. एक बताया ना? Dissociation और ये समझ में आया है? Yes. अब pH का फॉर्मूला क्या है? माइनस log of H. पता है? pOH का फॉर्मूला क्या है? माइनस log of H minus pH. ओके? ओवरऑल हुआ क्या पता है? P of something equals minus log of something. P of something that is minus log of something. So if I say PKA, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? Minus log of A.
टाइम यूज की थी, क्या वैल्यू लो हो गई, समझ में आ रहा है? ओके, तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि ए हाई तो पीके लो, दैट मींस बोथ आर इन इनवर्स ईच अदर। तो सपोज आई एम गिविंग यू द पीके वैल्यू फॉर टू एसिड, सो व्हिच विल बी मोर एसिडिक, जिसकी पीके वैल्यू कम होगी। इतना समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये हुआ लॉजिक। अब हम कंपैरिजन करते हैं, पहले ये क्लियर, व्हाट इज एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके लिए कंजुगेट बेस वर्ड, क्योंकि ये अभी रीजन में आएगा। तो इधर एसिडिक वैसे अब हुआ ना वीक के ओब्लिक एसिड एसिडिक वैसे, ये कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन द व्हिच टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज टेकन। अगर ये जस्ट बोल दो, जस्ट सपोज हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं, सेकंड इज एसिडिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड से एसिडिक एसिड वीक एसिड है, तो उसका मतलब क्या होगा, किसका एक्सट्रियोगस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा फॉर्मिक एसिड का, जो ये वीक होगा तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वीक होगा। मैंने भी बताया HCOOH फॉर्मिक एसिड, उसकी वैल्यू अबाउट 10^-5 के पावर में के इक्विवेलेंट, और एसिडिक एसिड 10^-5 वो भी 5 है, लेकिन 5 या 6 5 है शायद, और उसके 10^-4 जैसी है फॉर्मिक एसिड के, तो किसकी के वैल्यू ज्यादा है, -4 वाली, तो उसकी पीके वैल्यू लो होगी। ओके, अब देखो कि ए की वैल्यू अगर हाई है, इट मींस इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तभी ना, अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, कैसे, क्योंकि दोनों न्यूट्रल रहेगा, जितने H+ डोनेट होके यही H3O+ और ऑटोमेटिक उतने ही आर CO2- प्रोड्यूस होगा, समझ आ रहा है? यस सर। क्लियर सर, आपने बोला ना वो गेम में आना वीक एसिड, हाँ, तो जिसकी के वैल्यू लो तो उसका मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर उसका कम, तो H3+ का कंसंट्रेशन कम, क्लियर? ओके, तो के ए की वैल्यू ज्यादा, दैट मींस H3O+ का कंसंट्रेशन ज्यादा, दैट मींस ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होते हैं, दैट मींस एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक मोर, इज इट क्लियर? यस सर। सो दिस वन इज द बेसिक of acidic characteristic of carboxylic acid, like it fast. Now, the comparison of the acidic characteristic of carboxylic acid, alcohol and phenol. See, first of all, we are getting alcohol. It is reacted with water, reaction is reversible, and we are getting RO minus. See, here oxygen makes two bond and it has two lone pairs. Then here three lone pairs and negative charge plus H3O plus. This is alkoxide ion from alcohol. And here there is no resonance. And remember, due to resonance, stability of that component increases. Second thing, we are getting carboxylic, phenol. OH on benzene ring reacted with water. It is phenoxide ion, and that's H3O plus. It is phenol, and here the resonance is occurred. Okay, number three, third one is carboxylate ion. It is obtained from carboxylic acid. So here is RCOO minus and
H3O plus. So we are negatively charged. All the ions are conjugate to base. And here also resonance is possible. Now, first of all, we are taking resonating structures of phenoxide atom, C6H5O minus. See, here there are total four main ions. Why I'm having four? Because the fifth and first are similar, but the orientation of the negative double bond is different. Okay? Now there are total five structures, and two structures are interconvertible through this remaining three structures. So total there are five structures. अब देखो learn कैसे करेंगे? तो पहले तो ये और ये structures ये दोनों तो easy. डबल बॉन्ड इन्वर्ट कर दो, बाकी के जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं उसमें तीनों में और डबल बॉन्ड आए, ओके? एंड हियर नेगेटिव चार्ज एज वेल एज डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, तो सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स पोजिशन, और डबल बॉन्ड इससे दूर ही रहेंगे. देखो इसकी मिरर इमेज ये है और इसमें ऑपोजिट, याद रहा? सो देर आर फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोक्साइड आयन. ओके, तो फिनोक्साइड आयन के टोटल फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे. तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोक्साइड आयन. नेक्स्ट इज अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड O और नीचे एक O. अब ऑक्सीजन हियर इट मेक्स टू बॉन्ड, सो टू लोन पेयर्स, वन बॉन्ड देन थ्री लोन पेयर्स. अब इसका दूसरा एक स्ट्रक्चर पॉसिबल, इट इज नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें नीचे डबल बॉन्ड और ऊपर थ्री लोन पेयर्स, टू लोन. और कन्वर्ट कैसे होगा? चलो अब ये देखते हैं. तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है यहाँ पे, तो फिर कार्बन की वजह से तो फोर ही है, तो ये जो एक पाई बॉन्ड है वो ऊपर इसके ऊपर, तो दूसरा बॉन्ड. दोनों में कंटिन्यूअस एंड फास्ट कन्वर्जन होता है, जिससे हमें फाइनली मिलेगा यहाँ पे आर सी ओ ओ, दोनों साइड डबल बॉन्ड. अब जस्ट मीन हमें ऐसे कैसा पता चले? आपने एसिडिक एसिड तो देखा ही है, तो लिक्विड के अंदर में ऐसा थोड़ी दिखता है, लेकिन वो पता चलता है बेस्ड ऑन बॉन्ड लेंथ. ओके, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे इंटरमीडिएट बॉन्ड. देखो टोटल लिखा है ना, इसका मतलब क्या है पता है? कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा ना, उससे जो डबल बॉन्ड होगा ना वो थोड़ा शॉर्ट होगा, क्योंकि दो बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, तो फिर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा. जा रहा है बॉन्ड लेंथ, तो सिंगल बॉन्ड सपोज इट इज 145 एक्जेक्टली बोल रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, तो ये होगी सपोज 125. तो ड्यू टू रेजोनेंस यहां पे क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, अब बॉन्ड लेंथ वो तो पता है ना क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, दैट इज बॉन्ड लेंथ. तो यहां पे बॉन्ड लेंथ, और इसे यहां पे जो डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो, लेकिन यहां पे ये जो मिलती है इंटरमीडिएट ऑफ दीज टू वैल्यूज,
मोर देन 125 एंड लेस देन 145. तो इससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो गई. तो रेजोनेंस होता ये पता कैसे चलता है? और ये पता चलता है एक्सरे डिफ्रैक्शन से. एक्सरे डिफ्रैक्शन इससे पता चलता है. तो क्या समझ में आ गया? यस सर. सबको? यस सर. तो ये कारण से चलो अभी मेन रीजन अब स्टार्ट होता है. अब रेजोनेंस में इसमें कितने स्ट्रक्चर्स टोटल? 5. और यहां पे 3 2 2 ये दोनों का इंटरमीडिएट में ब्लॉक है. जॉब को कंटीन्यूअस दिखता है. तो यहां पे टोटल 5 स्ट्रक्चर्स, यहां पे 2 स्ट्रक्चर्स. तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? लेकिन यहां पे ये वर्ड आपको लिखना ही है. यहां पे जो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, डीलोकलाइज मतलब जिसका लोकेशन फिक्स नहीं है, तो वो कार्बन टू कार्बन यहां पे मूव हो रहा है. देखो. यस सर. सो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आर मूव फ्रॉम कार्बन टू कार्बन एंड हियर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स आर मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन. Okay? Yes. And which has more electronegativity, carbon or oxygen? Oxygen. Yeah. That's why its stability is more. Okay. Stability is more. That means acidic characteristic is more. Ka value is more. Yeah. Okay? Yeah. So alcohol, phenol or carboxylic acid. तीनों में से pKa value सबसे ज़्यादा किसकी होगी? Carbon. Good. सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी? पता चला. तो जब भी रीजन पूछे तो आपको ये वर्ड लिखना ही है. पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं और फिर लिखना है कि हियर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड फ्रॉम कार्बन टू कार्बन वेयर इन कार्बोक्सिलिक आयन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड फ्रॉम ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन. इट मींस द स्टेबिलिटी ऑफ so that the acidic characteristics of carboxylic acid is more than phenol and alcohol. तो ये हुआ पूरा एक रिस्क. समझ आ रहा है? Yes sir.